और अब बात मदरसों की, जो सुर्खियों में भी हैं, विवादों में भी। देश में मदरसों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच में छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां नाबालिग छात्रा की मौत की जांच शुरू हुई तो मदरसे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सूरजपुर जिले के भवराडी गांव में मदरसे में पढ़ने वाली छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई। यहां संदिग्ध हालत में छात्रा की मौत ने कई सवाल उठा दिए। छात्रा सोमवार सुबह 7 बजे प्रार्थना के बाद अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद दूसरी छात्राओं ने जाकर देखा तो वो फांसी के फंदे पर लटकी मिली। मृतक के परिजनों ने मौलाना पर रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। परिजन मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के रहने वाले हैं। आरोपों के बाद पुलिस ने 2 मौलानाओं की गिरफ्तारी की। कल परीक्षा समय वो लोग बताएंगे इंतकाल हो गए, हमारे बच्ची के साथ हत्या किया गया है, बलात्कार भी किया गया है। बयान की पुष्टि के लिए कि कहीं उसके तरफ से किसी प्रकार की प्रताड़ना या कोई चीज तो नहीं है, इसकी पुष्टि के लिए हमको पीएम रिपोर्ट की आवश्यकता रही है। तफ्तीश शुरू हुई तो जांच में खुलासा हुआ कि पढ़ाई खत्म होने के बाद भी छात्रा मदरसे में ही रह रही थी। मतलब ये कि हॉस्टल में बिना इजाजत 160 छात्राएं रह रही थी। जांच करने पहुंची टीम को मदरसे में कई और खामियां मिली हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि मांगी तालीम और मिली मौत, आखिर कैसी मानसिकता है और क्या है अवैध मदरसों का काला सच, इसे डिकोड करते हैं। पहली बात, बच्ची धार्मिक शिक्षा लेने के लिए वहां गई थी, उसे शिक्षा देने वाले 2 मौलानाओं ने कुकर्म किया, यानी आरोपी मजहब की शिक्षा देने का स्वांग कर रहे थे, जबकि चारित्रिक तौर के ऊपर वो गैर मजहबी लोग हैं। मौलानाओं ने अपने समुदाय के धार्मिक शिक्षकों के साथ पूरे शिक्षक समुदाय को शर्मसार किया। इन मौलानाओं ने मदरसों पर जो लोगों का भरोसा था उसे भी तार तार किया। यूपी एमपी में मदरसों के सर्वे का मुद्दा छाया हुआ है और ऐसी घटनाओं से लगता है कि मदरसों का सर्वे वक्त वक्त पर होना ही चाहिए। अब देखते हैं कि यहां इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि पुलिस ने खुद कहा, आपने सुना, कि उन्हें पीएम रिपोर्ट का इंतजार है।